हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप के राउंड 8 की गेम है, जो खेली गई थी अभिमन्यु प्राणिक और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के बीच में। फ्रेंड्स, अभिमन्यु भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं जॉर्डन नीदरलैंड्स को। और इस गेम के दौरान अभिमन्यु की रेटिंग 2524 थी, वहीं जॉर्डन की रेटिंग 2624। तो फ्रेंड्स, इस गेम का रिजल्ट जॉर्डन के लिए बहुत ही शॉकिंग था। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं और देखते हैं कि इस गेम में अभिमन्यु ने किस तरह से जॉर्डन को अपने ट्रैप में फंसाया। यहाँ गेम की शुरुआत की अभिमन्यु ने e4 के साथ, तो जॉर्डन ने रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस से c5 नाइट c3 d6 d4 c takes d4 queen takes d4 नाइट c6 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन d2 g6 b3 बिशप h6 क्वीन पर अटैक, तो f4 नाइट f6 नाइट f3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया बिशप b2 e5 g3 बिशप g4 नाइट पर अटैक, तो बिशप e2। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं वाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ज़रूर लॉन्ग साइड कैसल करेगा, लेकिन यहाँ गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी। ब्लैक ने किया b5 और अपने एक पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट टेक्स b5। और क्या यहाँ वाइट इस d6 पॉन को ले सकता है, या कहीं ब्लैक ने उसके ब्लंडर तो नहीं कर दिया। ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन b6, और अगर यहाँ वाइट करता है नाइट टेक्स d6, तो उसके बाद रुक b8 और वाइट का ये नाइट यहीं पिन हो जाएगा। और अगर यहाँ इस पोजीशन से वाइट करता है क्वीन टेक्स d6, तो उसके बाद नाइट टेक्स e4 क्वीन पर अटैक होगा। तो अब वाइट को यहाँ ही अपनी क्वीन बचनी होगी, क्वीन d3 क्वीन f2 चेक किंग d1 और उसके बाद रुक d8 और वाइट को अपनी एक क्वीन गंवानी होगी। तो यहाँ ब्लैक ने किया नाइट c3, अपने नाइट को वापस बुलाया। और अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक करता है e takes f4, तो वाइट के पास मौका है लॉन्ग साइड कैसल करने का। और अगर यहाँ से हम इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो ब्लैक यहाँ करेगा नाइट e5, f3 नाइट पर प्रेशर बढ़ाएगा, नाइट टेक्स e5, डी टेक्स e5, बिशप टेक्स g4, नाइट टेक्स g4, नाइट d5 क्वीन पर अटैक होगा। और ब्लैक का अगला ऑब्वियस मूव इस एफ पॉन को आगे पुश करने का होगा, एफ टेक्स g3 क्वीन पर अटैक। लेकिन यहाँ भी वाइट के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। वाइट यहाँ कर सकता है क्वीन टेक्स h6, नाइट टेक्स h6, नाइट टेक्स b5, ए टेक्स b5 और इस तरह यहाँ ये गेम बिल्कुल इक्वल हो। लेकिन फ्रेंड्स, वो तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप टेक्स f3, बिशप टेक्स f3, नाइट d4 बिशप पर अटैक, तो रुक f1 a5। और मैं यहाँ वाइट से काफ़ी देर तक एक्सपेक्ट करता रहा कि वो ज़रूर यहाँ लॉन्ग साइड कैसल करेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ किया नाइट d5 क्वीन पर अटैक बनाया। लेकिन नाइट टेक्स d5, ई टेक्स d5, और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए था, उन्हें यहाँ अपने इस नाइट को कहीं किसी बेटर स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, नाइट f5 या फिर इस बिशप के साथ नाइट को एक्सचेंज कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया a4, बिशप टेक्स d4, ई टेक्स d4 और इस तरह यहाँ वाइट को मौका मिला इस डी फाइल में ब्लैक के पॉन्स का स्ट्रक्चर ख़राब करने का, किंग f2। और अब यहाँ ब्लैक थ्रेट दे रहा है इस डी पॉन को आगे पुश करके एक डिस्कवर्ड अटैक बनाने का। क्या यहाँ भी ब्लैक इस काम को कर सकता है? अगर यहाँ ब्लैक करता है d3 चेक, तो उसके बाद किंग g2, d takes c2, queen takes c2 और इस तरह यहाँ वाइट इस सिचुएशन में इक्वल निकल कर आता। तो अभी यहाँ ये डी पॉन आगे पुश करने का मूव थोड़ा प्रीमेच्योर है। ब्लैक ने यहाँ किया बिशप g7 और यहाँ उन्होंने एक थ्रेट को और बढ़ाया, अगर वे यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करते हैं तो। तो वाइट ने यहाँ पहले किया किंग g2 और अब अगर यहाँ ब्लैक करे d3, तो उसके बाद रुक c1, d takes c2, queen takes c2 और फिर वही बात कि वाइट यहाँ इस सिचुएशन को पूरी तरह से मैनेज कर सकता था। तो यहाँ पहले ब्लैक ने किया रुक c8, रुक b1, रुक c3, बिशप e4, क्वीन c5, बिशप d3 और वाइट ने यहाँ अपने इस डी पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया, a takes b3, queen takes d5 चेक किंग g1। यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप f6 b4 और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ अपने रुक को a2 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए और यहाँ से किसी तरह की कोई टेक्टिकल फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था किंग g7 b5 रुक b8
तो क्वीन ई टू, रुक सी सेवन, रुक ई वन, क्वीन सी फाइव, क्वीन एफ थ्री, डी फाइव, किंग जी टू, क्वीन डी सिक्स, रुक ई वन, रुक सी ई सेवन, रुक टेक सी सेवन, बिशप टेक सी सेवन, रुक ई वन, बिशप एफ सिक्स, एच फोर, तो रुक बी सेवन, एच फाइव, रुक ई सेवन, रुक एक्सचेंज का ऑफर, लेकिन यहाँ वाइट ने किया रुक एच वन, और उनका इरादा यहाँ इस एच पॉन को आगे पुश करने का है और ब्लैक के किंग को एट्थ रैंक में ट्रैप करने का है। तो रुक ई थ्री, क्वीन पर अटैक, क्वीन एच फोर, और फ्रेंड्स यहाँ जिस तरह की ये गेम आगे बढ़ रही है, मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने रुक को एट्थ रैंक में लेकर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था क्वीन बी फोर, और शायद वो यहाँ किसी तरह का कोई थ्रेट ढूंढ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पहले वाइट ने किया एच सिक्स चेक, किंग एफ एट, रुक ए वन, और वाइट की प्लानिंग यहाँ बिल्कुल क्लियर है अपने रुक को एट्थ रैंक में ले जाने की, और यहाँ ये क्वीन इस अटैक में काफ़ी जल्दी शामिल हो सकती है। तो रुक ई सिक्स, क्वीन एफ थ्री, डी फाइव पॉन पर अटैक, और फ्रेंड्स यहाँ आई थिंक ब्लैक को इस डी फाइव पॉन का डिफेंस अपने रुक से करना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था क्वीन सी फाइव, और यहाँ इस पोजीशन से वाइट कर सकता था एफ फाइव, वो यहाँ इस रुक पर अटैक बना सकता था, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो जी टेक्स एफ फाइव, क्वीन टेक्स एफ फाइव, क्वीन बी फोर, रुक ए एट चेक, किंग ई सेवन, रुक ए सेवन चेक, किंग डी सिक्स, तो क्वीन एफ फोर चेक, और इस चेक से बचने के लिए ब्लैक यहाँ अपने बिशप को बीच में लगा सकता है, बिशप ई फाइव, क्वीन टेक्स एफ सेवन, और फ्रेंड्स यहाँ ये सिचुएशन ब्लैक के लिए काफ़ी डरावनी होगी। तो ब्लैक यहाँ कुछ चेक्स दे सकता है, क्वीन डी टू चेक, लेकिन इस गेम में अपर हैंड अभी भी वाइट का ही होगा। लेकिन यहाँ वाइट ने किया था रुक ए एट चेक, तो किंग ई सेवन, रुक ए सिक्स, रुक एक्सचेंज का ऑफर, और आई थिंक जिसे ब्लैक इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज ये पॉन सिक्स रैंक में चला जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग डी एट, क्वीन डी वन, किंग ई एट, एफ फाइव, रुक पर अटैक, और फिर वही बात कि अगर यहाँ ब्लैक करे रुक टेक्स ए सिक्स तो उसके बाद बी टेक्स ए सिक्स, और ये पॉन क्वीन बनने से सिर्फ दो कदम की दूरी पर होगा। यहाँ ब्लैक ने किया जी टेक्स एफ फाइव, बिशप टेक्स एफ फाइव, रुक पर अटैक, तो अब यहाँ ब्लैक क्या करे? अगर यहाँ ब्लैक अपने रुक को बचाता है रुक डी सिक्स, तो उसके बाद क्वीन ई टू चेक, किंग एफ एट, बिशप टेक्स एफ सेवन, और फ्रेंड्स यहाँ इस गेम में वाइट की ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक को रुक एक्शंस कर लेने चाहिए थे, रुक टेक्स ए सिक्स, बी टेक्स ए सिक्स, और उसके बाद ब्लैक को यहाँ इस पोजीशन से काफ़ी प्रॉब्लम्स तो होती, लेकिन फिर भी ये पोजीशन मैनेज हो सकती थी, क्योंकि जो काम यहाँ जॉर्डन ने किया उससे तो उसको कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होने वाला था। उन्होंने यहाँ किया था डी थ्री, और उन्होंने अपना यहाँ रुक अब बिशप को दे दिया, बिशप टेक सी सिक्स, और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है कि वो यहाँ करे क्वीन टेक सी टू चेक, और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो वाइट यहाँ करेगा क्वीन टेक सी टू, डी टेक सी टू, और ब्लैक इस पॉन को क्वीन प्रमोट कर सकता है, और अगर यहाँ वाइट अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस करता है तो ब्लैक के दो कनेक्टेड पॉन्स वाइट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएंगे। तो यहाँ वाइट करेगा बिशप टेक्स एफ सेवन चेक, किंग टेक्स एफ सेवन, रुक सी सिक्स, तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया डी टेक सी टू और क्वीन पर अटैक बनाया, और अब यहाँ वाइट क्या करे इस पॉन को क्वीन बनने से रोकने के लिए? उन्होंने यहाँ किया क्वीन एच फाइव और एफ सेवन पॉन पर अटैक बनाया, और अब अगर ब्लैक यहाँ करता है सी वन इक्वल्स क्वीन, अपनी क्वीन बनाता है, तो उसके बाद क्वीन टेक्स एफ सेवन चेक, किंग डी एट, रुक ए एट चेक, एंड मेट। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है कि वो अपनी क्वीन को सी सेवन स्क्वायर पर ले जाए ताकि वो यहाँ इस एफ सेवन पॉन का डिफेंस कर सके, और अगर हम यहाँ से इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो वाइट यहाँ करेगा बी सिक्स, पहले क्वीन पर अटैक बनाएगा, तो क्वीन बी सेवन, रुक ए सेवन, और अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा सी वन इक्वल्स क्वीन, रुक टेक्स बी सेवन, और अब यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेक्स दे सकता है, लेकिन वो अब यहाँ किसी भी तरह से चेकमेट नहीं बचा सकता। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था किंग डी एट, रुक ए एट चेक, किंग ई सेवन, क्वीन टेक्स एफ सेवन चेक, किंग डी सिक्स, एंड फाइनली क्वीन टेक्स एफ सिक्स, और यहाँ इस मूव के बाद जॉर्डन ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट सबसे पहले तो ये दो पीसीज आ गए,
और ब्लैक की सिर्फ एक ही उम्मीद कि वो यहाँ अपनी किसी तरह से इस क्वीन को प्रमोट करवा ले। लेकिन अगर हम यहाँ इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, वो यहाँ कर सकता है क्वीन g1 चेक, किंग टेक्स g1, c1 इक्वल्स क्वीन चेक, किंग h2, क्वीन d2 चेक, किंग h3, और अब यहाँ कोई आगे चेक है ब्लैक के लिए, किंग c5। और फ्रेंड्स इस गेम को हम जितना भी आगे बढ़ाएं अब ब्लैक इस गेम में कुछ भी नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस टूर्नामेंट को ईरान के ग्रैंड मास्टर फरहान मकसूदलू लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट की फाइनल गेम होनी बाकी है, तो इसका नतीजा देखने वाला होगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।